वैसे तो हर व्यक्ति को सुरक्षित भविष्य के लिए निवेश करना चाहिए। जो स्मार्ट होते हैं वो निवेश करते भी हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि इसके लिए उन्हें मोटी रकम की ज़रूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ 20 रुपये खर्च करके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। दरअसल पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 20 रुपये में सेविंग अकाउंट खुल जाता है। इस अकाउंट की सबसे खास बात यह है कि इसमें मिनिमम बैलेंस सिर्फ 50 रुपये रखना होता है। इसी तरह चेक सुविधा वाला सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 500 रुपये खर्च करने होंगे। बाद में इस अकाउंट में यानी कि चेक सुविधा वाले अकाउंट में आपको 500 रुपये का बैलेंस भी रखना होगा। अब हम आपको बताते हैं कि आपको क्या सुविधाएँ इसमें मिलती हैं। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के साथ ATM और चेक बुक की भी सुविधा मिलती है। इसके साथ ही इस अकाउंट पर 4% ब्याज भी मिलता है जो कि कई बैंक्स के सेविंग अकाउंट से ज़्यादा है। यह खाता एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। वहीं अगर कोई 10 साल या उससे अधिक उम्र के नाबालिग हैं तो उसके नाम से भी अकाउंट खोला जा सकता है। हम आपको बता दें कि इस अकाउंट को नाबालिग के पेरेंट्स भी चला सकते हैं। हालांकि बालिग होने के बाद नाबालिग व्यक्ति को अपने नाम पर खाते के ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना पड़ेगा। यही नहीं, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मिलने वाला 10,000 रुपये का ब्याज पूरी तरह से इनकम टैक्स से फ्री होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक डाकघर में सिर्फ एक खाता ही खोला जा सकता है। इसके अलावा इंडिविजुअल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में और जॉइंट को इंडिविजुअल अकाउंट में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इस सेविंग अकाउंट को एक्टिवेट रखने के लिए आपको 3 फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 1 लेनदेन ज़रूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 साल तक कम से कम एक बार ट्रांजेक्शन के बाद ही अकाउंट एक्टिव रह सकेगा। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए सिर्फ एक फॉर्म को भरना होता है और यह फॉर्म पोस्ट ऑफिस के अलावा पोस्ट ऑफिस विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए ID प्रूफ के साथ आपका कोई भी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और उसको लेकर आपको उस फॉर्म के साथ जमा करना होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पर एक वेबसाइट दिखाई दे रही होगी, indiapost.gov.in, वहाँ पर आप उस लिंक पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। V4 Innovative को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।